श्रीकरणपुर विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर। गांव गांव मोहल्ले में किया जा रहा है, मिल रहा है भारी समर्थन। जनसंपर्क पदमपुर, केसरी सिंहपुर, गज सिंहपुर, सभी जगह अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं वोट। जब हमारे संवाददाता राम भरोसे शर्मा ने बातचीत की कांग्रेस उम्मीदवार रूपेंद्र कुंडर रूबी से, तो सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। तो आप इस जो आज जनसभा हुआ, इसे देखकर अपना क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, जो आज लोगों का जन आशीर्वाद रैली में पहुंचकर हजारों की संख्या में जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इससे साफ होता है जो कुंडर साहब ने जो 40 सालों से जनता की सेवा की है, भाईचारा काम किया है, रिश्ता कायम किया है, वो एक हमारा परिवार था सारा, वो मुझे परिवार सारा मुझे आशीर्वाद देने आया था। और कुंडर साहब हमारे बीच में नहीं है, 4 तारीख को उन्होंने नामांकन किया था, उस दिन ये तय हो गया था कि आने वाले विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुंडर हों जी। उन क्षेत्र में जो रिकॉर्ड तोड़ काम हर एक क्षेत्र हर क्षेत्र में जी, हर डिपार्टमेंट में, उन कामों को देखते हुए जी, कुंडर साहब की ईमानदारी को देखते हुए, उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले इंसान थे जी। आज नाम जरूर मेरा है, लेकिन आज भी सरदार गुरमीत सिंह कुंडर ही कैंडिडेट हैं जी, और जनता ने मन बनाया हुआ है कि ये सीट कांग्रेस को जिताकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने।